नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर। खंडेश गोट फार्मिंग महाराष्ट्र जलगांव। हाँ बोलिए। सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ, आपका चैनल देख रहा हूँ 1 साल से कंटिन्यू। धन्यवाद। और जब कोई और चैनल पे कुछ देखता हूँ नहीं समझ में आता तो फिर आपके पूरे वीडियो देखता हूँ कि किसमें मेरे लायक क्या जानकारी है तो उसको देखता हूँ। सर मैं यूपी से हूँ, मैं छोटी सी नौकरी करता था तो लॉकडाउन में दिक्कत हो गया है, तो हाँ मैं कुछ बकरियां सर पालना स्टार्ट करना चाहता हूँ, हाँ तो मैं कौन सा ब्रीड पालू जिसको मैं अगर बकरीद से मतलब बकरा ईद से मार्केटिंग करूँ तब भी अच्छा बिक जाए और हमारे यहाँ सक्सेस भी रहे। पूरे भारतवर्ष में सबसे बढ़िया जो नस्ल है ना, तो उत्तर प्रदेश की है, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, जमुनापारी करके। तो मेरे हिसाब से आप जमदपारी। जमुनापारी, हाँ तो जमुनापारी ये नस्ल बहुत बेहतरीन है, और सबसे फिलहाल देखा जाए तो अभी मिलती भी नहीं है और कम होती जा रही है इनकी तादाद। तो आप उसके साथ ही काम करें, लगे तो मुझे लगता है 2 या 4 जानवर के साथ भी काम किया आपने तो बहुत अच्छा होगा उसमें। इसके अलावा अगर दूसरी नस्ल होना है आपको, तो फिर एक बारबरी करके नस्ल आती है, वो भी आपके हाँ उत्तर छोटे प्रदेश। साइज की होती है सर हाँ वो। बराबर, हिरन सरी की दिखती है, तो ये दूसरी नस्ल है, हाँ वो आपके उत्तर प्रदेश की ही है, तो ये नस्ल भी आप संभाल सकते हैं। सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो भी नस्ल संभालना है वो प्रॉपर जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं उनमें से संभालिए आप, और कम जानवरों से आपका काम स्टार्ट कीजिए। दोनों नस्लें बहुत ही और ये बेहतरीन सर है। जमुनापारी सिंगल बच्चे देती है सर। जमुनापारी ऐसा कुछ नहीं है, पर जो भी बड़ी नस्लें होती है बकरियों में जिनका साइज बड़ा होता है उनमें बच्चे कम ही होते हैं ऐसे भी, और छोटी नस्लों में बच्चे ज्यादा होते बकरियों में। पर क्या है, अभी जमुनापारी जो नस्ल है वो लगभग खत्म होने की कगार पर है। मतलब 2014 साल में गवर्नमेंट का कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो प्योर ब्रीड जमुनापारी है वो करीबन 5,000 के लगभग है। अभी देखिए, 5,000 पूरे भारतवर्ष के हिसाब से अगर बोले अपन तो मुश्किल है, और अभी मिलता भी नहीं है जमुनापारी। तो आपका लोकल ब्रीड है वहाँ किसानों से खरीद लीजिए आप, और उनके साथ में काम कीजिए, इसके साथ में आपका भविष्य बेहतरीन और उज्जवल रहने वाला है जमुनापारी के साथ में। जमुनापारी के साथ। और ये जो बीटल वगैरह है सर अपने यहाँ से। आपकी नहीं, वो राजस्थान का ब्रीड है, वो भी बेहतर ब्रीड है, पर आपके लिए मेरे हिसाब से तो ये दोनों नस्लें अच्छी रहेगी, एक जमुनापारी और एक बारबरी। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारी नस्लें हैं, बीतल है, सिरोही है, कोटा है, तोतापुरी है, बहुत सारी नस्लें, तो नहीं आप नहीं उनके साथ में जैसे भी काम कर सकते हैं। बीटल में बड़े बच्चे, आपका एक वीडियो देखा हूँ जो अधिकतर फार्म क्यों बंद होते बच्चे क्यों मोर्टेलिटी क्यों ज्यादा होती, उसमें देखा है आपने बीटल को भी बताया कि बकरा एक तो बीटल के बच्चे अच्छे बिकते हैं। हाँ, बढ़िया बिकते हैं, बीटल की तेजी भी है अभी मार्केट में। पर क्या होता है सर जी, बीटल बाहर से लाके आपको सेटल करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, तो जिस रेट में बीटल बिक रहा उससे अच्छा ज्यादा महंगा तो जमुनापारी बिक रहा। अच्छा हाँ अभी तो मिलता भी नहीं है, मिलता ही नहीं है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया वही नस्ल है मेरे हिसाब से, तो भी जमुनापारी जमुनापारी, आप उनके साथ में ये काम करो। मिलेगा कहाँ सर, ये इसका बकरी चंबल कहाँ के मिलेगा, एरिया जो में मिल जाए आपको सब। चंबल किसानों के पास मिल जाएगा, चंबल एरिया में। हाँ चंबल एमपी में ना सर। हाँ एमपी, और जो आपका उत्तर प्रदेश राजस्थान का जो बॉर्डर है ना वहां पर ये मिल जाएगा, हाँ ये प्रॉपर नस्ल है। वहां इंक्वायरी करो थोड़ा आपके लोकल एरिया में, या कोई ना हाँ कोई ट्रेडर मिल जाएगा आपको, वहां से खरीद लो आप, और मेरे हिसाब से तो किसानों से खरीद ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी सर जी सर हाँ थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको बहुत चलेगा, कोई बात नहीं। बहुत खुशी हुई सर आपसे बंदी बात आपका करके। नाम सर क्या है, शुभ नाम? शंभुनाथ पटेल है मेरा नाम। अच्छा पटेल साहब, मेरे हिसाब से तो जमुनापारी के साथ ही काम करो आप, और अगर वो नहीं मिलती तो आपके लिए बारबरी बेस्ट रहेगा, सेकंड चॉइस। ठीक है, कोई ओके दिक्कत आए सर तो ओके कॉल सर करो मुझे।